दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच हाल ही में सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम को एक पारी और 32 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना भी टूट गया। आपको बता दें कि भारत आज तक एक भी बार दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। टीम इंडिया के साथ साथ क्रिकेट फैंस भी सेंचुरियन में मिली शर्मनाक हार से काफी दुखी हैं। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा का एक वीडियो इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कुछ पल के लिए खुश जरूर हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम तीसरे दिन ही हार गई। दूसरी पारी में टीम इंडिया महज 131 रन पर सिमट गई, जिसमें विराट कोहली ने 76 रन की पारी खेली। विराट कोहली के रूप में टीम इंडिया ने आखिरी विकेट गंवाया और वह जब ड्रेसिंग रूम में लौट रहे थे, तब रोहित शर्मा ने खड़े होकर ताली बजाई और विराट कोहली की पीठ थपथपाई, उनकी पारी की सराहना की। आपको बता दें कि दूसरी पारी में भारत की तरफ से एकमात्र अर्धशतक विराट कोहली के बल्ले से आया था। इस टेस्ट मैच में हार के बाद भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल पर छठे पायदान पर फिसल गई है। रोहित शर्मा के लिए बतौर कप्तान और बल्लेबाज सेंचुरियन टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। रोहित शर्मा पहली बार 5 रन बनाकर जबकि दूसरी पारी में बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। भारत ने पहली पारी में 245 रन बनाए थे। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 408 रन बनाए थे। टीम इंडिया दूसरी पारी में 131 रन पर सिमट गई। विराट कोहली और शुभमन गिल के अलावा कोई भी बल्लेबाज ढाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाया। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़े हुए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके बहुत काम आएगा।